फूला सतोप रोहिणी में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की दवा से हुई 1.5 साल के एक बच्चे की मौत ने राजनीतिक रंग ले लिया है। आज रोहिणी जिला बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के निवास स्थान के नजदीक बने उनके कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंककर उनके इस्तीफे की मांग की। जिला बीजेपी अध्यक्ष नीलदमन खत्री की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में निगम पार्षद और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। रोहिणी में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की दवा से 1.5 साल के बच्चे की मौत के आरोप के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी के फिर निशाने पर है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के निवास स्थान पर रोहिणी जिला बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री व मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में निगम पार्षद और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने केवल प्रचार के पाने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचने के लिए ही मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए हैं। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता दीपाली चौक पर जमा हुए और फिर पैदल ही नारबाजी करते हुए सत्येंद्र जैन के निवास स्थान पैदल मार्च किया। इस मार्च में मोहल्ला क्लिनिक की दवा से मरने वाले बच्चे के परिजन शामिल हुए और इस सारे हंगामे को देखते रहे। बीजेपी प्रवक्ता राजीव बब्बर ने तो बच्चे की मौत को हत्या करार दिया है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक और पोली क्लिनिक केवल प्रचार पाने का हथकंडा है, इन पर झोला छाप डॉक्टर काम कर रहे हैं। रोहिणी में 1.5 साल के बच्चे की मौत के बाद आम आदमी पार्टी सरकार के मोहल्ला क्लिनिक की क्वालिटी पर तो फिर से सवाल खड़े कर गई है। साथ ही इस घटना ने बीजेपी को भी आप पर प्रहार करने का नया मौका दे दिया है। दुष्यंत रोहिणी दिल्ली। फूला सतोप रोहिणी में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की दवा से हुई 1.5 साल के बच्चे की मौत ने राजनीतिक रंग ले लिया है। आज रोहिणी जिला बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के निवास स्थान के नजदीक बने उनके कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंककर उनके इस्तीफे की मांग की। जिला बीजेपी अध्यक्ष नीलदमन खत्री की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में निगम पार्षद और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। रोहिणी में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की दवा से 1.5 साल के बच्चे की मौत के आरोप के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी के फिर निशाने पर है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के निवास स्थान पर रोहिणी जिला बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री व मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में निगम पार्षद और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने केवल प्रचार के पाने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचा। बच्चे को क्या हुआ था और जिस तरीके से लापरवाही हुई? खाली फीवर आया था उसको, बस 2 दिन से रात फीवर था, बस उसे डिस्पेंसरी ले गई दवाई के लिए। उन्होंने दवाई दी, सब 5 की दवाई दे दी मेरे को हवाई से। तो जैसे मैंने उसको आगे दवाई दी, शाम को टाइम देखा तो पूरे पूरे शरीर के दाने हो गए पानी वाले, देखा तो पूरी खाल उतर रही है। तो बहुत ज़्यादा बहुत परेशान था मेरा बेटा, बहुत तकलीफ में था, ना वो कुछ खा पाए, ना पानी, ना कुछ पी पावे, ना सो पावे, बहुत तकलीफ में था। बहुत हम लोग फिर उसको अम्बेडकर ले गए सारी को सुबह 3 बजे, तो लोग कह रहे वही तुम्हारा लड़का बहुत सीरियस है, उसको कलावती ले जाओ। कलावती पहुँचे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिंगल डॉक्टर नहीं है, आप आगे ले जाओ। हम लोग आगे लेके गए, फिर वो लोग कह रहे कि डॉक्टर 12 बजे आएगा, सिंगल डॉक्टर 12 बजे आएगा, जिस समय आप ये हुआ क्या हॉस्पिटलों के चक्कर आपको लगाए? आप कहते हैं कि पॉली क्लिनिक की लापरवाही, फिर दिल्ली सरकार के अस्पतालों के चक्कर लगाना। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए पॉली क्लिनिक और उस डॉक्टर के ऊपर? लेकिन झोला छाप डॉक्टरों को भेज कर जनता की जाने नहीं है।
ना जाने कितने लोग इस मौत का शिकार होंगे इस महिला। और क्या चाहिए आपको? आज प्रूफ है कि आपके महिला पंडित ने हत्या कर दी, उसके बाद भी आपको क्या मोह है इस मंत्री से जिस बात पर खास नहीं करना चाहते? और कहाँ है आपकी गैरत? तो क्या जवाब देंगे? 1.5 साल के बच्चे की आपने हत्या कर दी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है और इस आंदोलन को आगे चला रही है। खत्री जी की सर आईडी ऊपर किस तरह को लेकर जाएंगे आप? केजरीवाल आम आदमी